अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बार फिर खबर को शाया किया गया है। उसी खबर को दोबारा शाया किया गया और बताया गया है कि अगर आप मेट्रो स्टेशन के बाहर, उसके अगल बगल या मेट्रो स्टेशन में या मेट्रो के अंदर या बस स्टॉप, बस स्टेशन या बस के इर्द गिर्द या बस के अंदर आप सिगरेट पीते हुए या तंबाक का नशा करते हुए पकड़े गए तो आर्टिकल 17 से लेकर लॉ नंबर 10 के तहत आप पर 1,000 से लेकर 3,000 रियाल तक का फाइन दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट इस पर बड़ी सख्ती के साथ पेश आएगी। हम जानते हैं कि सेहत के लिए तंबाक नोशी और तमाम चीज़ें बहुत मुजिर हैं, बहुत नुकसानदेह हैं। इसके लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए और इससे दूर रहिए। सिगरेट से गर्मी की शिद्दत की वजह से, सिगरेट पीने से वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया है कि आप अगर एजुकेशन के इर्द गिर्द या किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट के अगल बगल या किसी मदरसे के अगल बगल अगर उसके 1 किलोमीटर के रेंज में अगर आप पकड़े गए तंबाक बेचते हुए या सिगरेट नोशी करते हुए तो आप पर भी कानून जारी किया जाएगा। इसीलिए अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।